अच्छा ये बताइए कि किसी तरह गठबंधन के सहारे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में भी हालिया गठबंधन के सहारे ही सरकार चला रहे हैं, बिहार में जैसे सरकार गिर चुकी है तो अगर गौर करें तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिर सकती है, तो महाराष्ट्र चला जा सकता है, कर्नाटक वैसे भी सब बता रहे कि कमजोर स्थिति हो गई है सर्वेस के अकॉर्डिंग और सरकार जा सकती है, तो कई बड़े बड़े राज्य भाजपा के हाथों से निकलते नजर आ रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए 2019 में उनके पास काफी बड़ा मात्रा थी भाजपा शासित राज्यों की, जो कि काफी तेजी से इस समय 2024 के सिनेरियो में कम हो गई। तो ऐसे में 400 वाला आंकड़ा तो बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दावा लगता है। किसी तरह क्या 272 वाला आंकड़ा भी भाजपा पार कर पाएगी अगर ये बड़े राज्य चले जाते सिर्फ यूपी और गुजरात के सहारे? जी, हर बार स्थिति बदलती है, समीकरण भी बदलते हैं। तो जो पहले गठबंधन था और अब नहीं है, उसके दोनों दोनों पक्ष होते हैं, उसमें नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। अब हम अगर बात करें तो देखिए, पश्चिमी बंगाल में उनका सफाया नहीं हुआ था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें जिसमें ओपिनियन पोल बीजेपी को जिता रहे थे, बीजेपी जीती तो नहीं, पर ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो कहां से कहां पहुंचे, ढाई के आंकड़े मतलब दो के आंकड़े पर थे और दो से इतनी सीटें ले जाना, तो कुछ प्रयोग उनको लाभ भी देते हैं। अगर नीतीश जी का साथ छूटेगा बिहार में तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी कहीं होती है। इसका एक उदाहरण 2019 है, 2019 के चुनाव में जब महागठबंधन यूपी में हुआ तो आप याद करिए कि उस समय सारे विश्लेषक और अगर ये कागजी गणित लगाएं तो कागजी गणित में तो बीजेपी कहीं ठहरनी नहीं चाहिए थी, सारी सीटें विपक्ष की आनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष तो अपनी इज्जत तक नहीं बचा पाए। उसका कारण ये होता है कि जब इस तरह से गठबंधन होता है तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी हो जाता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में 400 सीटें मिलना आपको चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो बड़ी दूर की कौड़ी लगता है, बहुत दूर की कौड़ी लगता है कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी।